और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस से गंगाराम कठेरिया जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बीजेपी को 2019 में भी पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल पाई थी, तो यही कारण है कि पीएम मोदी ने खुद जिम्मेदारी ली है और आज एक दिन में सबसे ज्यादा जनसभाएं प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, 4 जनसभाएं पूर्वांचल में हैं। तो क्या मायने हम इस चीज के लगा सकते हैं कि अब की बार पूर्वांचल में जो सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी उन पर बीजेपी पूरी ताकत के साथ दिख रही है? निश्चित तौर पर अगर हमारी कहीं कमजोरी होती है, मैं उससे अपनी कमजोरी से बिल्कुल सीखता हूँ जी, कि अगर हम कहीं किसी चीज में पीछे रहे हैं इको बहुत ज्यादा आ रहा है जी, उन कारणों को मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ और अपने पार्षदों को दूर किए हैं अगर कहीं कोई कमी रही है तो। और पिछली बार भी आपने देखा कि 80 से 72 सीट हमने हासिल की थी, 8 सीटें कुछ रह गई थी। तो इस बार हमने उनकी जो कमी पेशियां थी उनको बिल्कुल दुरुस्त करके और आज मोदी जी और हमारी योगी जी डबल इंजन की सरकार जिस तरह से 5 साल से कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमने इतना अच्छा लॉयड आर्डर दिया है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश लॉयड आर्डर से बहुत खुश है। और विकास जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में जिस विकास की गंगा बहाई है वो आप सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को आज हमने सुमरी प्रदेश बना दिया है। आज जो है जन जन तक हमने नल से जल पहुंचाने की जो कोशिश करी वो 90% लोगों तक पहुंचा है। इसी तरह से हमने किसानों को जो किसान को जो सम्मान निधि दी है वो तो दी है, उसके अलावा भी किसान को हम आज लाइफ भरपूर ले रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में एक समय वो था कि लाइफ नाम की चीज हुआ नहीं करती थी, किसान परेशान रहता था अपनी फसलों में, टाइम से न तो पानी लगा पाता था न फसलों के लिए कुछ कर पाता था। तो हमने किसानों को भरपूर लाइफ दी है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हमने रोडों का विकास किया है, गलियों का विकास किया है, हॉस्पिटल लेके आए हो, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बनाए, जिला स्तर पर बनाए। और एजुकेशन क्षेत्र में हमने एजुकेशन में भी आप देख लीजिए जिला स्तर पर हम मेडिकल कॉलेज लेके आ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आ रहे हैं। जो मूलभूत सुविधा है उनमें हमने कभी कोई कोताही नहीं बरती है ना कमी छोड़ी है। ये सब चीजें आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और सबसे बड़ी बात है जो लोग योगी जी का जो लॉयल आर्डर है उससे तो पूरा उत्तर प्रदेश खुश है कि एक समय वो था कि यहाँ पर दिन में भी लोग निकलने से डरते थे, रात की तो बहुत बड़ी बात थी। तो उन्हें मालूम था कि दिन में जाएंगे तो हो सकता है क्या कोई घटना घटी जाए। तो हमारी माताएं बहनाएं वो तो हर दम जो है ना दहशत में रहती थी उत्तर प्रदेश में ये इन्हीं अखिलेश यादव की सरकार में। आज माताएं बहनाएं खुद आके टीवी के सामने कहती है योगी जी ने आज इतना अच्छा यहाँ का लॉयल आर्डर बना दिया है, माहौल बना दिया है कि हम रात में भी घूमे और किसी की हिम्मत नहीं तो हमारी तरफ आंख उठा के देख जाए। यही बात व्यापारी कह रहे हैं कि आज हम अपना व्यापार बंद करके कितने टाइम भी घर पहुंचे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है तो हमारी तरफ आंख उठा ले, हमारे साथ कोई घटना कर दे तो उसे मालूम है कि 10 मिनट जब लगेगा तो पुलिस उसके फोन पर पहुंच जाएगी। इसे सब चीजें जो दी है उत्तर प्रदेश ये समझ रहा है। अब वहाँ जाति धर्म मजहब का जो कार्ड खेलते थे ना वो खत्म हो चुका है। अब वोटर उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि जाति धर्म मजहब में सिर्फ उनका अनहित हुआ है, हित नहीं हुआ है। तो जाति धर्म में बात तो उनका वोट तो दिया है मगर उनका जो हित होना चाहिए, उनके जो अधिकार है वो पूर्ति होना चाहिए वो शायद कभी नहीं होते थे। ठीक है, मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए कांग्रेस भी बड़ा अमुस्त रहती है और समाजवादी भी रहती है और भी अन्य पार्टियां वो भी रहती है मगर इनके हितों की बात कभी नहीं करी है। ठीक है सर, आऊंगा वापस। अखिलेश यादव के 4 साल में उत्तर प्रदेश में 16 गरीबों के लिए मकान बने। ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है। और हमने अभी तक वहां जो करोड़ों मकान बना दिए आप गूगल पर पड़े हैं, ये नहीं कोई कि हम बार बार ही कह रहे हैं गूगल पर पड़े हैं,
चलिए ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। गंगाराम जी से एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आपके पास वापस आऊंगा। गंगाराम जी, पिछली बार 26 सीटों में से पूर्वांचल में 17 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, जौनपुर भी बीजेपी के खाते में नहीं थी, अब की बार जौनपुर भी बीजेपी की आती तरफ दिख रही है क्योंकि धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन कर दिया है। अभी तक तो हमने वहां का माहौल सुधारा है, तब इतना विकास हुआ है, क्योंकि वहां जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने क्या हालत कर रखी थी प्रदेश की, और अब की बार आप देखिए तो उत्तर प्रदेश, ठीक है सर, ठीक है, ही विकास होगा, उत्तर प्रदेश में सही कोई चीज ऐसी नजर नहीं आएगी कि यहाँ पर कोई कमी हो गई। ठीक है, ठीक है, हमारी सहमी है और पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोग इस पर चलने वाले हैं, हमारा और इससे अलग जाति धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। हम हमारी पार्टी का उद्देश्य ये भारत का जो भी नागरिक है वो हमारा है, और उसकी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो मैं इस नारे को लेके आम जनता के पास जा रहा हूँ, और जनता बखूबी हमें पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे रही है, तो 80 की 80 सीटें अब की बार वहां जीतने जा रहे हैं। ठीक है, गंगाराम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी। हाँ गंगाराम जी, मेरा सवाल ये है, पिछली बार पूर्वांचल में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है, 17 सीटों पर बीजेपी वहां से जीती थी। अब की बार जौनपुर सीट भी बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है, उसका सीधा कारण यह है धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। गंगाराम जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। मैं बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 सीटें हैं जी, पूर्वांचल में लगभग 26 सीटें आती है, और धनंजय सिंह जी की आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय सत्ता पक्ष में है और उत्तर प्रदेश में भी भारत सरकार में केंद्र में जी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डराने धमकाने का काम करते हैं। अगर कोई सीट उनके खाते से जा रही है या कोई वहां का बड़ा चेहरा है या कुछ है तो उसको ये लोग उसको धमकाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, उसके ऊपर अगर मुकदमे लगे हैं तो उसको मुकदमा बढ़ाने का काम करते हैं, और जब अगर वो पक्ष में आ जाता है तो वो सब माफ हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर ना ही मुकदमा है, ना ही कोई पुलिस प्रताड़ित करती, ना ही कोई जेल होगी, कुछ नहीं होगा। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं, वही हुआ है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए इस बार इन्होंने जो वादे किए थे, जो इनके वादे थे वो धीरे 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 जनता ये चाह रही थी कि हाँ मोदी जी आए हैं, भाजपा कुछ आएगी, कुछ अच्छा करेगी, अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन ये आए हैं कि जो दाल 60 रुपए मिलती थी वो आज 150-200 रुपए में हो गई है, जो पेट्रोल 65 रुपए मिलता था वो आज 100 रुपए पार कर गया है, जो गैस सिलेंडर 400 रुपए मिलता था वो इन्होंने सब्सिडी के बहाने, लेकिन ये चाल है ना कि पहले क्या करते हैं कि पहले थोड़ा थोड़ा दाना डालते हैं और फिर उसको आके बिल्कुल खत्म कर देते हैं, कि वो मुर्गी से फंस जाते खत्म कर देते हैं, जैसे कि मछली को जब फांसना होता है तो गैस से लेते हैं, बाद में उसको काट देते हैं। तो इनका वही हाल होता है कि इन्होंने गैस सिलेंडर लिया और उन्हें सब्सिडी देंगे, लेकिन क्या हुआ, आज गैस सिलेंडर 1000 पार चला गया है, 1000 पार चला गया है। अब ये महंगाई की बात बता रहे हैं आपको कि इन्होंने अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए, अब ये झूठे वादे। अब बात की इन्होंने किसान की, अगर किसान को ये सही सब कुछ कर रहे हैं, आज किसान का पता है आज इन्होंने खाद की बोरी कितने रुपए में कर दी है, और एक तो हम बताना चाहेंगे कि खाद की बोरी में बजट भी कम कर दिया है और ऊपर से खाद की बोरी महंगाई महंगी कर दी है, पूछ लीजिए कि खाद की बोरी में 1500 रुपए करीब कर दी है, और जो 50 किलो मिलती थी आज उसको 48 या 45 किलो 49 किलो कर दिया है, मतलब वो भी कम कर दिया है, जो खाद मिलती थी सरकारी खाद। तो ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग यही आज किसान और गरीब देख रहा है कि महंगाई की मार क्या है, किसान को फसल के दाम सही मिल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर किसान की हम बात करें तो
जो ये लोग अनाज बेचते हैं, आज इन्होंने जो बीच में सटोरी टाइप के लगा रखे हैं लोग, जो सेंटर का, सेंटर में बहुत घोटालेबाजी होती है, ये भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो बहुत घोटालेबाजी होती है, तो उसको सही मापदंड किसान को नहीं मिल पा रहे हैं। तो और आप बात करते शिक्षा की, अब शिक्षा में इन्होंने क्या 10 साल में किया है? देखिए, हमारी सरकार कांग्रेस सरकार रही है, नवोदय विद्यालय देने का काम किया है, और क्या नाम, हम लोगों ने साक्षरता अभियान सरकारी में प्राइमरी स्कूलों देने का काम किया है। इन लोगों ने कौन सा काम किया है ये अपने काम के नाते शिक्षा पे? हमने आप महंगाई का जब 70 साल में कांग्रेस तेल लापाई थी, सरसों का खाने वाला तेल 70 रुपए में उस टाइम का, और ये लोग महज 10 साल में इन लोगों ने 150 पार कर दिया उसको। 70 साल में कांग्रेस ये लोग नारा देते हैं 70 साल में पेट्रोल आ पाएगा 60-65 रुपए, इन्होंने महज 10 साल में उसको 100 पार कर दिया। तो इस तरीके से जो सब झूठे वादे होते जा रहे हैं इनके, अब चलिए ठीक है, समझ चुकी है, ठीक है ठीक है, शासन नहीं आने वाली है, अब जनता सीधे सीधे यही फैसला कर रही है, बदलाव का मुंह, बदलाव की उसकी मांग है, और बदलाव होगा, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देख लीजिएगा कि जो लोग सबसे बुरी हार पूरे भारत में अगर हारेंगे, तो सबसे बुरी हार ये लोग उत्तर प्रदेश में हारेंगे। लोकसभा की 80 में मैं बताना चाहता हूँ कि 80 में इनने बनारस को क्यूटी बनाने का जो सपना दिया था वो भी तक पूरा नहीं हुआ है। अब वो भी हम बता रहे हैं कि बनारस की विकेट इस साल लखनऊ में पड़ जाएगी। ठीक है कैप्टन साहब आपकी तो 80 सीटें खतरे में हैं उत्तर प्रदेश में। जमीनी इनका कुछ है ही नहीं है। ठीक है कैप्टन साहब, जो जरूरत थी किसानों की, जो जरूरत थी गरीबों की, आप बात करिए कि शिक्षा पर आज प्राइमरी स्कूलों में, ठीक है गंगाराम जी आऊंगा आपके पास, ठीक है ठीक है, एक बार कैप्टन साहब को जवाब दे दीजिए। स्कूल में वहाँ एक टीचर है आज, भर्ती नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है कैप्टन साहब बोलिए। परेशान है सबसे ज्यादा, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा जो किया था वो बिल्कुल झूठा साबित हुआ है, और कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। पूछ लीजिए, हम तो इनसे कहना चाहते हैं कि 10 साल में जब 2014 नरेंद्र मोदी जी आए थे तो 3 मुद्दों पे आए थे, ठीक है मुद्दों पे आए थे, क्या वादे इनके थे? इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आए? क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली? क्या 15-15 लाख खाते में आए? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग गरीब किसान हमारे भारत सरकार में सबसे अगर ज्यादा जरूरी होता है तो चिकित्सा, बेरोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, इन पे मुद्दों पर नहीं बात करते ना ये। चलिए ठीक है, ठीक है गंगाराम जी, ठीक है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हिंदू मुस्लिम भी इनका पीछे होता जा रहा है, हिंदू मुस्लिम पे भी ध्यान देंगे कि वो हिंदू मुस्लिमों को बढ़ावा करते हैं, फिर वो आदमी कहते हैं अरे मैं तो मुस्लिमों का ही पढ़ाऊ, मैं इनका ईद पे जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, क्या ही इनकी नौटंकी मचा रखी है पूरी, कोई भी मुद्दों पर चुनाव कर ही नहीं रहा है। भारत में हिंदू मुस्लिम खुद करते हैं और ब्लेम दूसरे पे लगाते हैं। ठीक है हम लोग, ठीक है लोकतांत्रिक हमारी पार्टी है और हम लोग धन निरपेक्ष पार्टी है। गंगाराम जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरे? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी आपने कहा कि मुद्दे बनाते हैं, तो इस बार के चुनाव में मुद्दे तो कांग्रेस की तरफ से भी निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि जो विपक्ष होता है उसका काम होता है सत्ता में जो सरकार है उसके विरोध में रहे और जो चीज़ें वो गलत कर रही है उस चीज़ पर वो विरोध करे। ठीक है, लेकिन चुनाव में सारा कुछ बदल जाता है और खुद के भी मुद्दे निकल के सामने आ जाते हैं। ठीक है, हमारी कल भी इसी बात पर चर्चा भी हुई थी कि कांग्रेस अपनी तरफ से अपने मैनिफेस्टो में जनता के लिए क्या क्या वादे कर रही है, तो वहीं खड़गे जी ने कल बोल भी दिया कि भाई बीजेपी आपको 5 किलो राशन दे रही है, हम आपको 10 किलो राशन देंगे। तो ये भी तो एक देखा जाता है कि भाई जनता को आप किस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पर आ जाता है कि जनता स्वार्थी है तो उसके सामने आप ये इन चीज़ों का वादा करते हैं। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि कैप्टन साहब सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ, अब की बार आपको क्या लगता है, हर जगह जहाँ भी जनसभा होती है मोदी जी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बात करते हैं। अब जौनपुर में भी और आजमगढ़ में भी आज उनकी जनसभाएं थी, उन्होंने CAA के मुद्दे को उठाया कि कोई भी सरकार आए और ना ही किसी पार्टी में इतना दम है जो वो CAA को बंद कर दे। निश्चित तौर पर पुष्कर जी, ये हमारे भारत के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, मगर ये कानून बन चुका है, धरातल पर कहीं कहीं जुड़ना आ चुका है और ध्यान नहीं है वहां भी बहुत जल्दी हो जाएगा, और इसको खत्म करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए।
इसको जो है ना वोट को पोलराइज करना चाहते हैं, मगर होगा नहीं, क्योंकि ये जो कानून बना है इसको कुछ से खत्म नहीं कर पाएगा। तो माननीय मोदी जी ने जो कहा है तो सत्य कहा है। हमारा जब देश एक है तो यहाँ कानून भी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ये नहीं कि एक मजहब के लिए दूसरा कानून, दूसरे मजहब के लिए दूसरा कानून, तीसरे मजहब के लिए तीसरा। ये क्या कोई किसी के घर का वो संविधान हो, घर की सरकार है, जो जो चाहोगे आप जैसा बता दोगे। जब देश एक है तो कानून भी एक होगा। यही स्थिति तो उन्होंने कश्मीर में करी थी, कश्मीर में धारा 370 लगा के यही हर भाव बना दिया था, दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान, इस तरह से वहां पर यही उन्होंने यही किया था। यही जिनकी शुरू से यही तो सोच रही है कि किसी तरह से बांटते रहो लोगों को, तो बांट के हम अपना वोट बैंक बढ़ाते रहे। फिर उन उनके मूल सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इन्होंने शुरू से यही किया। जब भारत आजादी हुआ पहली बार सरकार कांग्रेस की बनी, तो इन्होंने कितने जो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखाता, आप देखिए ये अभी तक सरकार कांग्रेस की सरकार जब जब आई है इसमें बदलाव किया है, 10 से अधिक संविधान में बदलाव कर चुके हैं और 100 से अधिक उसके अंदर प्रोविजन डाल चुके हैं। तो ये क्यों किया इन्होंने कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान को लिख गए थे और उसमें ये लिखा है कि आवश्यकता है, फिर भी ये कहते नहीं इसकी जरूरत नहीं। जब और उन्होंने तो यहां तक लिखा था वो कांग्रेस के ही नेता थे, किसी और पार्टी के नहीं थे, हमारी बीजेपी को उस टाइम थी भी नहीं। उन्होंने लिखा है कि देश आजाद हो चुका, अब कांग्रेस की जरूरत नहीं, इसको खत्म कर देना चाहिए, मगर उस कांग्रेस को भी आज तक चला रहे, इसीलिए चला रहे ना कि ध्रुवीकरण करना है वोटों का, जनता को मजहब में बांटना है, जाति में बांटना है, पद में बांटना है। तो सोच इनकी रही है, हमारे पास 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार है, 10 साल से हमने तो संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, आज दिन तक कोई प्रोविजन भी नहीं कुछ नहीं करते उधर किया है, तो इन्होंने बार बार किया है। और एक बार तो इन्होंने वो किया था कि देश को जो है ना अंधकार में ढकेल दिया था, एमरजेंसी लगा के जब इंदिरा गांधी को हिंदुस्तान इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा देश था, जब उन्हें लगा कि हमारी सरकार चली जाएगी, खत्म कर दिया जाएगा, तो उन्होंने देश में एमरजेंसी लगा दी। आप सोचिए ये पहला एक ऐसा वाक्य हिंदुस्तान में घटा था शर्मनाक, जिसने पूरे देश को शर्मनाक शर्मसार किया था एमरजेंसी लगा के। चलिए ठीक है, ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है, समय कम है कैप्टन साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गंगाराम जी लास्ट कमेंट जल्दी पूरा कीजिए। सेकुलर संविधान उस टाइम डाला गया था, इसी तरह से राजीव गांधी रहे, राजीव गांधी ने कराया, साहब आलू का केस, साहब आलू का जो इन्होंने बोलते ही पूरा पलट दिया। सुने थोड़ा इनको बोले, अब आप नॉन स्टॉप बोल रहे, इन्होंने बोला नहीं कभी। गंगाराम जी लास्ट कमेंट, संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, आपके कई नेता भी बोल चुके हैं, और 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली संसद के पड़ोस में संविधान को चलाया गया। कौन चलाने वाले थे वो लोग? भगवादारी लोग थे वो लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान विरोधी है, ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश के अंदर ये लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। बात करते संविधान की, ये लोग संविधान हिताई थी, ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। आपके कई लोग नेता बोले हैं, आप लोग विवाद करते हैं, आप देख लीजिए कि कितना क्या नाम कांग्रेस नहीं बोलती उसने उस तक चक्का आपके नेता हिंदू मुस्लिम। चलिए ठीक है सर, समय कम है, मैं आप दोनों मेहमानों के यहाँ पर रोकना चाहूंगा, और आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अपने जनता को, अपने वोटों को बटोरने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, और आज उनकी 4 जनसभाएं पूर्वांचल में हैं। उसका सीधा सा कारण यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां से 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, सपा और बसपा की वजह से बीजेपी को 2019 में वहां पर नुकसान हुआ। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।